24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल रहा है, और जो अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर, तो उड़ीसा में ठंडी बढ़ी है, जो कि सामान्य तापमान से जो तापमान है मिनिमम टेम्परेचर वो 4 से 5 डिग्री तक भी नीचे गए हैं कई कई जगह पर। झारसुगुड़ा अनुगुल में कोल्ड वेव भी ऑब्जर्व किया गया है। अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम इन प्लेन्स एरिया में फुलवानी में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, कीरी में 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि AMFU स्टेशन है प्लेन्स एरिया में। उसके बाद हिल स्टेशन सिमलीगुड़ा में 2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 10.5 डिग्री सेल्सियस और कटक में 11.5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन की लिस्ट है जिसमें कि तापमान मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे के दर्ज किए गए लिखे गए हैं, जिसमें दारिंगबाड़ी 6.7 डिग्री सेल्सियस, झारसुगुड़ा में 6.6, कोरापुट में 6.5, सुंदरगढ़ में 6.5, राउरकेला में 6.4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर 24 आवर चेंज की, तो सबसे ज्यादा जो चेंज है मलकानगिरी -7 डिग्री सेल्सियस का दर्ज किया गया। उसके अलावा पालकमुंडी, फुलवानी, कोरापुट में -3.5 डिग्री सेल्सियस, नवरंगपुर में -3.2 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर में -1 डिग्री सेल्सियस और कटक में +0.5 डिग्री सेल्सियस 24 आवर चेंज देखा गया मिनिमम टेम्परेचर है। अगर हम बात करें कि सामान्य से जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे जो मिनिमम टेम्परेचर डिपार्चर कितना गया है, तो उसमें सबसे ज्यादा डिपार्चर झारसुगुड़ा का -5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उसके बाद अनुगुल -5.1, भवानी पटना -4.2 डिग्री सेल्सियस, केवंझर -4.1 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर में भी -4.7 डिग्री सेलसियस मिनिमम टेम्परेचर डिपार्चर देखा है, कटक में -2.5 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर देखा गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम ना होने की वजह से अगले 5 दिन तक यानी कि 12 तारीख तक ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उसके अलावा ठंडी बढ़ रही है, जिसकी वजह से डे 1 में 9 तारीख के फोरकास्ट में यह देखा जा दे ये संभावना बन रही है कि झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, केवंझर, यहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे कोल्ड वेव भी होने की संभावना है। उसके अलावा डे 2 यानी कि 10 तारीख को भी झारसुगुड़ा, देवगढ़, अनुगुल यहाँ पर भी कोल्ड वेव के लिए येलो वार्निंग दी गई है। ठंडी से बचाव के लिए जो भी एक्शन है वो हम लोग को लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अगर हम बात करें टेम्परेचर फोरकास्ट की, तो अगले 2 दिन तक टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर 2 से 3 दिन 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेंगे, नहीं तो भी ये सामान्य जो टेम्परेचर है कॉमन मिनिमम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है बिलो नॉर्मली रहने की संभावना है अगले 2 से 3 दिन तक।